चरणों के सत्सद नमन के साथ में बहुत अच्छी बात है कि एक दीक्षा का प्रोग्राम दादाबाड़ी में 23 तारीख के होना है। गुरु भगवंतों के निश्रा है, आप सबका आशीर्वाद। और जो आपके जीवन है वैसा तो बड़ा कठिन जीवन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, और यह गुरु जी और उनके साथ में और भी दीक्षार्थी हैं जो जीवन में अपने नेक पथ पे अच्छे पथ पे चलेंगे, तो गुरु भगवान से मैं आग्रह करूँगा कि आशीर्वचन स्वरूप ये जो दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा है क्या कुछ कहेंगे। आर्यन जी, नीलेश जी मेहता और निकिता जी कटारिया, तीनों ही भगवान महावीर के इस पथ के ऊपर अपना जीवन आत्मा को निर्मल करने के लिए, संसार के अंदर सब कुछ है लेकिन आत्म तत्व प्राप्त करने के लिए संसार को छोड़ करके ही प्राप्त किया जा सकता है। जितने भी महान पुरुष हुए उन्होंने अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए संसार का त्याग करके और साधना का पथ अपनाया। वही पथ अरियंत जी, बुरड़, नीलेश जी मेहता, निकिता जी कटारिया उस भगवान महावीर के उस पथ के ऊपर चल रहे हैं, जहाँ पांच पांच व्रतों को अपने जीवन में अपनाना है और उस पथ के ऊपर उनके बताए मार्ग के ऊपर हमें चलना, जिससे अपने आत्मा के ऊपर अनादि काल से जो संसार का भ्रमण है वो भ्रमण खत्म हो जाए और जीवन के अंदर ऊंचाई को ले जाए। अनंत काल से संसार की मोह माया के अंदर ये जीव पड़ा हुआ है और उसके कारण सत्य को वो प्राप्त नहीं पाया। सत्य को प्राप्त करने के लिए मोह माया से ऊपर उठना ही होता है, और वो आत्मा तभी उठ पाता है जब उसे ऐसा सहयोग मिलता है। तो ऐसा सहयोग उनके जीवन में मिले, उनका जीवन का विकास हो, यही मिलता है। बोलिए परम पूज्य मिलेगी भगवान और 23 तारीख के दादाबाड़ी में ये प्रोग्राम होने वाला है, तो आप सब साक्षी बनिए, जीवन में आनंद लीजिए। इसी के साथ में मैं तपेश जैन नवीन ठाकुर सर हूँ। जय जीवन भगवान महावीर स्वामी की जय।